लगातार 30 वर्षों से विश्वकर्मा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं विश्वकर्मा समिति के कार्यकर्ता। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज कस्बा क्षेत्र के भैरव बाबा मार्ग पर विशुनपुर स्थित लकड़ी मंडी आरा मशीन के सामने विश्वकर्मा समिति के कार्यकर्ता लगातार 30 वर्षों से विश्वकर्मा जयंती पर बड़ी धूमधाम से विश्वकर्मा बाबा का पूजा अर्चन कर मनाते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष सुरेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में पूरे कमेटी के सदस्य आपसी सहयोग से धन इकट्ठा कर भगवान विश्वकर्मा का मूर्ति स्थापित कर भजन कीर्तन करते हैं और आसपास क्षेत्र में जुटे लोगों में प्रसाद का वितरण करते हैं, जिससे आसपास का पूरा क्षेत्र भक्तिमय रहता है। आपको बता दें कि शास्त्रों और वेदांतों में विश्वकर्मा को सृष्टिकर्ता और परमात्मा के रूप में माना गया है। विश्वकर्मा को वैदिक सौर देवता भी माना गया है, जिन्हें धातु और विधातु, पृथ्वी और प्राणी जगत का जनक और समस्त देवों का नामकरण करने वाला कहा गया है। कहते हैं कि अंगिरा वंश के भुवन पुत्र विश्वकर्मा ऐसे आदि शिल्पकार हैं जिन्होंने आदि ब्रह्मा की रचना दक्षता के रहस्य को समझकर इस सृष्टि पर उनके अनुरूप शिल्प विज्ञान को सबसे पहले प्रस्तुत किया। अपनी अद्भुत और अलौकिक शक्ति से शिल्प विज्ञान का साक्षात्कार कर मानव के कल्याण और अथर्ववेद के उपवेद की रचना की। इस समारोह को सत्यदेव शर्मा के नेतृत्व में कमेटी सदस्य सुरेंद्र विश्वकर्मा, रामसेवक विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, पप्पू विश्वकर्मा, श्रीलाल विश्वकर्मा, नीरज विश्वकर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा, वीरेंद्र विश्वकर्मा आदि लोगों ने धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। रोशनलाल के साथ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। श्री विश्वकर्मा पूजा समिति विष्णुपुर महाराजन भैरव बाबा रोड महाराजन आजमगढ़ सत्यदेव विश्वकर्मा की दुकान पर आज लगभग 300 वर्ष से मनाई जाती है। कोई व्यवस्था में और शांत में कोई अंतर नहीं पड़ता है और शांतिपूर्वक पूजा की जाती है। और यहाँ कुछ लोगों के सहयोग से और अपने से यह मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा जो शिल्पकार थे और ये पूरे हिंदुस्तान में और हर जगह इनकी जो है पूजा होती है और ये पूर्वजों से पूजा होती चली आई है। इसके बाद जो है ये इतना आविष्कार किए और इन्हीं के बदौलत कल कारखाना और सब चल रहा।